हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी लोग सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज का टॉपिक मैं लेकर आया हूँ ग्राफ। ठीक है, ग्राफ मैं अपने जो भी स्केच करता हूँ अधिकांश जो है कि फेमस पर्सन का, ठीक है, फेमस एक्टर्स का, तो मैं ग्राफ का यूज करता हूँ। ये देख रहे होगे, ठीक है। अब ये बोलिए कि ग्राफ का यूज क्यों करते हैं? फ्री स्टाइल से भी मैं बना सकता हूँ, ठीक है। और अधिकांश जितना भी आर्टिस्ट है स्केच को जो करते हैं वो भी जो है कि ग्राफ का यूज करते हैं, बहुत कम ही में, ठीक है। आपको क्या बोलते हैं, फ्री स्टाइल से बनाता है अधिकांश ग्राफ से। ग्राफ से बनाने से क्या होता है ना कि किसी भी एक्ट्रेस के या फेमस पर्सन जो है उसका 99% फेस मैच कर जाता है। फ्री स्टाइल से बनाइएगा तो 60 से 70% ही मैच करता है, ठीक है, या 80% तक। पर ग्राफ के माध्यम से क्या होगा, 99% आपका मैच करेगा, ठीक है। जब भी ग्राफ का यूज करें, ठीक है, तो आप HB पेंसिल, ठीक, या HB से नीचे, ठीक है, ये पेंसिल इसी का यूज करें। ये दोनों ही लाइट है, और लाइट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसको जो है ना ग्राफ को बाद में मिटाना है, ठीक है, साफ करना है, इरेज करना है। तो लाइट पेंसिल जितना रहेगा उतना आपका पोर्ट्रेट में, स्केच में, ठीक है, पेंसिल का लाइनिंग दिखेगा नहीं। मैं जितना भी स्केच करता हूँ 4 साइज A4 साइज का पेपर ही यूज करता हूँ, ठीक है। और ग्राफ में कोशिश करता हूँ कि इसका जो लंबाई है ये जो है, देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 घर लंबाई होना चाहिए और इसका चौड़ाई 8 घर होना चाहिए। आप इससे एक घर अधिक भी ले सकते हैं, ठीक है, और एक घर कम भी बना सकते हैं, पर बहुत का अंतर मत कीजिएगा। 19-20 का अंतर काफ़ी है, पर 15 और 20 बहुत ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा बड़ा ग्राफ कीजिएगा, ठीक है, उतना मैच करने का जो होता है ना वो कम रहेगा, पर जितना छोटा कीजिएगा वो अच्छा रहेगा। पर ज़्यादा छोटा करने से क्या होता है, फिर आपको से जब स्केच कीजिएगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। तो इसीलिए क्या करना है, एक मीडियम आकार का ही ग्राफ करना है, ठीक है। और याद रखिएगा ये जो है ये दोनों का कोना मैच करना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये जब ग्राफ तैयार हो जाता है तो उस पर आप किसी भी पर्सन का, फेमस पर्सन एक्ट्रेस का बना रहे पोर्ट्रेट तो उसको ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ करने के बाद ग्राफ को इरेज कर दीजिए, ठीक है। फिर कोशिश कीजिए फेस की तरफ, ठीक है, फेस की तरफ इरेज कर देना है, साइड की तरफ नहीं करना है, ठीक ना, फेस की तरफ इरेज करना है। और जब शेडिंग शुरू करेंगे तो हम लोग आई से, ठीक है, आँख से, ठीक है ना, आँख की तरफ से करेंगे। ये आईज हो गया, क्योंकि कोई भी आपका पोर्ट्रेट को जब देखता है ना तो आई को ज़्यादा ध्यान देता है, आई को, नोज़ को और लिप को। ये जो तीन चीज़ को हम ज़्यादा महत्व देंगे और उसको ज़्यादा फोकस करके पहले इसको क्लियर करेंगे, उसके बाद साइड में, ठीक है, फिर जाके बनाएगा, और धीरे धीरे ग्राफ को हम इरेज कर देंगे। हाँ, तो ग्राफ के लिए, ठीक है, और आउटलाइन के लिए हम HB या HB से नीचे वाला पेंसिल का ही यूज करेंगे। आई होप कि मेरे दी हुई जानकारी आप सभी को समझ में आई होगी। आप भी अपने स्केच में ये ग्राफ मेथड को ट्राई करें और फिर बताइए कि कैसा बना, ठीक है। अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, बेल बटन को जरूर दबाइएगा, और इससे जो वीडियो है इसको खासकर बच्चे को, ठीक ना, ऐसे बच्चे या ऐसे फ्रेंड जो ड्राइंग में, स्केच में इंटरेस्ट रखता है उसको शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके मेरे पुराने वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सेफ रहे, सुरक्षित रहे, बाय बाय।